हेलो फैमिली, हाउ इज़ एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ा शानदार जानदार प्रोडक्ट जो कि फुली रिस्टोर्ड है। इसकी रिस्टोरेशन करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया और काफ़ी मेहनत लग गई क्योंकि इसके बेल्ट वगैरह काफ़ी यूनिक है, तो हमें वो ऑर्डर करके बनवाना वगैरह के लिए टाइम लग जाता है। ऐसा है कि हम जो पीस रिस्टोर करते हैं उसमें परफेक्ट साइज़ के कंपोनेंट्स लगते हैं, पिंच रोलर्स, पट्टे वगैरह जो है। आप छोटा बड़ा थोड़ा सा भी अगर फ़र्क होगा तो हमारे बायर्स को आगे जाके शायद कुछ तकलीफ़ आ जाए चलने में वगैरह में, लूज़ वगैरह हो जाए, इसलिए हम एग्जैक्टली परफेक्टली इसको बनाकर देते हैं। ये सिस्टम है सैनसुई का। सैनसुई का जो नाम है वो मेरे ख्याल से सब बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनसे तो ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जो जानता है सैनसुई को वो तुरंत इसे ले लेगा, उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेड इन जापान, मॉडल नंबर है CP55W। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है। इसमें आप रेडियो ट्यूनर, फोनो यानि ऑक्स और रेडियो के सारे बैंड्स अवेलेबल है। 2 वॉल्यूम स्लाइडर्स है, अलग लेफ्ट का अलग राइट का, माइक का मिक्सिंग का वॉल्यूम है, हाई स्पीड डबिंग है, बहुत सारे इसमें फीचर्स है। देखिए यहाँ पर आपको सारे इसके फीचर्स मिल जाएंगे। ये पावर बटन है, ये पावर बटन है, ये टेप है, ये रेडियो है और ये ऑक्स का मोड है। इक्वलाइजर है जो वर्किंग है, माइक वॉल्यूम स्लाइडर, वॉल्यूम ट्यूनर, टेप कंट्रोल्स यहाँ पर है और डबिंग भी, इसका वन टच रिकॉर्डिंग डबिंग अवेलेबल है। ऑलराइट, तो हम इसे अभी थोड़ा डेमो करके इसका देखते हैं। टेप मोड में हम इसे साइड ए में प्ले करेंगे। ये पुरानी सी कैसेट है, लेट अस सी। ये साइड के फंक्शन हमने देख लिए। अब हम कुछ दूसरी कैसेट लगाकर इसकी दूसरी साइड को चेक करते हैं। साइड बी, इसका फॉरवर्ड, क्लियर विंडो है, ये इसका रिवाइंड, देखिए आप देख सकते हैं टेप ट्यूनर और फोनो। अब हम इसे टेप से हटाकर ट्यूनर में डालते हैं और हम FM प्ले करेंगे। FM का बटन, एक ही चैनल हमारे यहाँ FM में जल्दी कैच होता है,
So we will try and do बहुत दिनों बाद FM इतना क्लियर आ रहा है। बड़ा सा डायलिंग नॉब है देखिए ट्यूनिंग। ये जो है माइक का मिक्सिंग का बटन है, तो जब आप माइक लगाएंगे इसमें जो आप लगा सकते हैं पीछे से लाइन इन का ऑप्शन भी है, ऑक्स का ऑप्शन। जो हमारे फ्रेंड्स लाइन इन बजाना चाहते हैं वो ऑक्स के ऑप्शन में भी बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक और बार देखिए प्ले। अभी मैं आपको इसे पीछे से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इसका पीछे का हिस्सा है। यहां पर आप फोनो या ऑक्स इन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे ऑक्स, थोड़ी डस्टिंग यहां पर करनी है। और देखिए इसका मॉडल नंबर है यहां पर CP55W फ्रीक्वेंसीज रेडियो की दी हुई है। 110 से 240 वोल्ट तो कहीं भी ये चल जाता है। मेड इन जापान, एज यू कैन सी मेड इन जापान है ना। और इसके इस टाइप के स्पीकर्स है जो डिटैचेबल है, और 3.5 mm के जैक से ये कनेक्ट हो जाते हैं। राइट, देखिए बीट कैंसिल 1, 2, 3 माइक का ऑप्शन यहाँ पर सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए, और इसे आप बैटरी पर भी चला सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको 8 बैटरीज डालनी होगी, यानी ये 12 वोल्ट की मोटर है, 12 वोल्ट पे चलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ बैटरीज, काउंट करेंगे तो 8 बैटरी है। ये देखिए, ये इसका बैक कवर है। इसको बहुत अच्छे कंडीशन में रखा गया है, और इसे रिफर्बिश भी बहुत बढ़िया कंडीशन में करके लाए हैं हम लोग। बिकॉज़ ये साउंड सिस्टम जो है, इसकी क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको रिफर्बिश करना अपने ओरिजिनल स्टेट में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ जो है जस्टिस होना चाहिए, है ना। जो ओरिजिनल साउंड क्वालिटी है ये डिलीवर करे, इसके लिए इसके साथ में जस्टिस होना ज़रूरी है, और वो हम कर सकते हैं रिफर्बिश। ये देखिए, कोई और कैसेट भी हम लगा के आपको दिखा देते हैं। ये मराठी गाना है कुछ लता मंगेशकर मैडम का, और ये दूसरी तरफ से हम देखें। Oh,
अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। इसका प्राइस जो है वो आपको ये मिल जाएगा 7,000 रुपीज़ में, प्लस कुरियर के 400 to 600 डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एक्स्ट्रा लगेंगे। बहुत बढ़िया सिस्टम है, सैंसुई का नाम ही काफ़ी है वैसे तो। और जल्दी से हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस बढ़िया पीस को, जो आपके घर के डेकोर को भी अच्छा दिखने में मदद करेगा, उसको ऑर्डर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।